अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज भाई ये जो क्षण है यो एक ऐतिहासिक क्षण है, मतलब इस क्षण को जीने वाले जो आज शख्स मेरे साथ हैं वो ये चार पांच शख्स हैं। सबसे ज्यादा खुशी पहलवान जी को है, पहलवान जी का परिचय में पहलवान जी की जुबानी करवाऊंगा आप लोगों से। पहलवान जी पहले तो राम राम है भाई। मैं सबसे पहले तो अभिमन्यु मूवी के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं, और जो भाई पवन को भी मैं बधाई देता हूं, जो कि इसे जितने भी सामाजिक कार्य हैं जैसे कुश्ती को जितना बढ़ावा दे रहे हैं, ये अलग अलग अखाड़ों में जाकर भी पहलवानों से मिलते हैं और दंगलों में आकर और कंपटीशन में आकर भी जो कुश्ती को बढ़ावा देने का काम करे, सबसे पहले मैं पवन भाई को अपनी तरफ से सभी की तरफ से बधाई देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं जो कि कुश्ती को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं लीलू पहलवान लीलू अखाड़ा लाडपुर में चलाता हूं। ये उमेश और राजू ये दोनों मेरे शिष्य हैं और दोनों ही होनहार शिष्य हैं। जो अंकित पहलवान और इनकी सारी टीम ने जो दंगल करवाया है इनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सफल आयोजन किया और इस दंगल में ये मानो देश के कोने कोने से पहलवान आए हैं, सब ने अपना जोर दिखाया है और सभी को उन्होंने इनाम का जो प्रावधान किया था उनको सबको अच्छे से इनाम दिया है। बुलेट दी है, मोटरसाइकिल दी है, पैसे दिए हैं। मैं इनको भी अपनी तरफ से इस दंग सफल दंगल के आयोजन के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोनों होनहार शिष्य जिन्होंने दोनों दो कुश्ती बराबर की थी, दोनों पे बुलेट थी। राजू पहलवान ने सोनू जो के ना बोला काशनी वाले को पॉइंट के आधार पर हराया है, और उमेश पहलवान ने परवीन कवाड़ी जो कि पंजाब से हैं इन्होंने उनको पॉइंट पे हरा के अपने खाते में जीत दर्ज कराई। दोनों ही पहलवानों को मैं बधाई देता हूं और आप जो आए आपके कवरेज के लिए मैं आपको आपका धन्यवाद भी करता हूं और आपको पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद पहलवान जी, धन्यवाद आपका भी। और आज खुश तो बहुत हो गया आप चेहरे पे स्माइल अलग सी नजर। खुशी की बात क्या है, मैं बचपन से ही कुश्ती में जुड़ा हूँ भाई और 30-32 साल हो गए मैंने अखाड़ा चलाते। बहुत लड़के भाई बाहर भी गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चा एशिया तक बच्चा प्रदर्शन किया है और छुट्टियों पर तकरीबन आपने पता है भाई तकरीबन पहलवान लड़ते रहे हैं। और ये भी आज के और आज इस दंगल में भी कम से कम 50 पहलवान हमारे पांच गाड़ी भर के आई हैं। जो जितने भी पहलवान आए हैं सबकी कुश्तियाँ हुई, सभी का सम्मान मिला। और भाई खुशी की बात ये है हमारा तो ये जीते हैं तो हम गए जीता है, हार हैं तो गए ला रहे हैं भाई। आप दंगल तो आपने सफल करवा दिया, पहलवान जी के नाम की ताली बजा दो भाई एक बार, गजब कर दिया। और आज की जो मैं कवरेज के बारे में बताना चाहूंगा, राजू पहलवान बुलेट पे जागा आज का देखो अनुमान रहा हो। अरे भाई मथुरा वाला भी कति बुलेट पे जाओगा, उमेश मथुरा दोनों के दोनों लीलू पहलवान जी के शिष्य हैं, वही पहलवान निकले हैं और डेली पहलवान जी के साथ दंगलों में जा है। तो पहलवान जी कुश्ती बड़ी लंबी चली दोनों की और राजू की तो खतरनाक कुश्ती रही थी। तो पहलवान जी किसा मतलब कितनी जान लगी आज जी? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार राम राम करता हूँ और बहुत अच्छा लगा जी, कुश्ती हुई कांटा और जी जोर तो लगता ही है जी, 20 मिनट बराबर का पहलवान होता है जब जी जोर तो लगता ही है जी। बस कितना ठड्डा पहलवान था पहलवान जी, कितनी जान लगी जी आज के टाइम पे? वो भी ठीक ही पहलवान है, सभी से लड़ रहा है, सभी से कुश्तियां दिखा रहा है जी। पहले भी हुई है? पहले भी हाँ जी हुई है जी, उससे एक दो कुश्ती पहले और भी हुई है, उसको पॉइंट पे भी हराया है उसने, एक बार मुझे भी हराया जी। अच्छा पहलवान जी सीधा सा एक सवाल है पहलवानी का, देखिए जब अनाउंसमेंट होने लग रही थी कुश्ती होने से पहले के अगर आर पार नहीं हुई ना एक टाइम रहोगा आर पार नहीं हुई तो इनाम नहीं दिया जाओगा, और वो बुलेट जो यहाँ इनाम पे रखी गई थी पब्लिक में डरा के दोबारा दे दी जाऊंगी, तो बोलो जी डर तो हो गया होगा भाई, तो खेच के लड़ना पड़ेगा कदे सारे भाई है ना, सारे का दिल तक धन्यवाद। ऐसे भाई इनाम का तो यही रोड़ा है, जीतेंगे तभी मिलेगा, पॉइंट पे कुश्ती करा दी पॉइंट पे का हर जीत का, और वही हर जीत करानी करानी पॉइंट का तो यू रूल होगा भाई। पलन जी एक और बात में, ये तो मजाक की बात से है, पलन जी इब कार में बैठ के जाओगे कि बुलेट पे जाओगे आज दोनों? कोई ना जी, जी एक बुलेट से एक के दर रुपया मिले दोनों उससे चले जाओ बोलते पता लगे। कोई ना जी एक के पैसे मिल जाएंगे, एक पे बैठ के चलाए जाएंगे, ऐसी क्या हाँ जी वजीर भाई कोच साहब के लिए दोहरी खुशी है, मतलब मेरे को लग रहा है ये पहली बार हुआ है कि कोच साहब के शिष्य दोनों एक साथ पहली कुश्ती जीते हुए एक दंगल में। पहलवान जी बताओ जवाब दो वजीर भाई का। भाई ईसा एक दो और भी हुआ हमारे साथ, क्योंकि कई बार
एक दो लड़के और भी बढ़िया, संजय है, रोहिल ही दरिया है बढ़िया, जो साथ साथ कई लड़कियां ने घनी घनी कुश्ती मारी है और एक एक दंगल का हिस्सा भी हुआ है। मैं आपने पता, मैं दंगली बहुत ज्यादा हूँ और दंगला मैं ज्यादा रखता हूँ पहलवानों को। अच्छा पुलन जी, ये राजू और इनको भी मैच के लिए भी तैयार कर, मैच पे भी स्टेट में गोल्ड है इसका भाई, भाई का स्टेट हाँ, और दौलताबाद में मेडल है इसका, स्पोर्ट में गोल्ड है और नए है बढ़ते छोटे आए मेरे दोनों नए लड़के हैं, ये नहीं चलते हैं अब, अभी इनको और भरेंगे और समय इनके लिए दोनों भरते हैं, मतलब अभी तो दीवाना चलना शुरू कर रहा है। ये जो बताऊंगे आके किसका कढ़ाई चढ़ रही है, ठीक से ना, यानी कि कहाँ के है, के करया है, के इनका नाम, ये बहुत होनहार शिष्य है, आज्ञाकारी बहुत है। उमेश पहलवान तो देखो आज हिंदुस्तान के टॉप के पहलवान में, जब 2.5 लाख रुपए की बुलेट पर कुश्ती लड़े है तो पहलवानी में तो कसर रह नहीं रही है। मेरी बुलेट बुलेट को ना गाड़ी भी, ट्रैक्टर भी, मोटरसाइकिल भी, इसने भी कई ले ली, मेरी बुलेट बुलेट की बात मत करे, ट्रैक्टर गाड़ी जीत रही है, एजेंसी का राय ला रहे भाई। पहलवान जी आज भी मतलब जोरा के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान लिल्लू पहलवान की डांट या डंडे खाने को मिला? हाँ जी, बहुत खुशी होती है जी, वो डंडे नहीं है तो कुछ नहीं है जी, मतलब बहुत मीठे डंडे हैं, बहुत जी, बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें वो डंडे मिल रहे हैं जी, नहीं लोगों के नसीब में डंडे भी नहीं है जी, सही बात कह। तो पहलवान जी पंजाब के पहलवान भी डेली आओ हरियाणा में, आप भी पंजाब में जाओ हो और आपके यूपी में भी जाओ हो, हिमाचल में भी, सबसे ज्यादा खतरनाक पहलवान मतलब टाइट कुश्ती लड़ने वाले कौन से स्टेट के जी? आजकल तो जी किसी से डर नहीं लगता, सब कोई भी आओ, तो बस सारे हड़के लगा। कल भी कुश्ती है पठानकोट के पास गुरदासपुर जस्सापट्टी से कुश्ती है जी। वाह जी, दुनिया का बहुत बेहतरीन पहलवान रहा है, राज भी है जस्सापट्टी पहलवान को रहा है आपने पहले? हाँ जी, दो बार आ रहा है। वाह जी, बहुत वैसे बहुत 25 तारीख को मेरे वहाँ क्या है इसमें बेलगांव कर्नाटक में कुश्ती है इसकी, जॉर्जिया का पहलवान उसके साथ उमेश की, जॉर्जिया के भी पहलवान बहुत जबरदस्त हुआ, उनमें टेक्निक का कोई ओर नहीं होता पहलवान जी, तो और एक्स्ट्रा तैयार होकर जाइए गुरु जी का नाम। अभी हम गए थे हुबली, वहाँ ईरान का पहलवान इसने चित किया 2.5 लाख रुपए का, ताली तो बजा दो जी, कहियो ताली बजा देना, अभियान का लागे खेच के बजा दो मड़ी ही पहलवाना, मेरी निकल की ताली चाहिए यार, सब तक नहीं, हार जीत का कुछ नहीं, हार भी होगी जीत भी होगी, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ोइए, परमात्मा करनी है भाई, नेक नीति तो अपने सच्चे दिल से ये करेंगे न मिल लगा, ठीक है ना। और भाई कुश्ती बढ़िया लड़का हड़के दौरे भी हार जा, तो कुश्ती की इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अपना काम ये, अपना काम अपना बेस्ट दो जी, बस इसी से प्रोग्रेस होया जाए, अगर जितने नरम रहेंगे, जितने झुक कर चलेंगे, जितने नए कर चलेंगे, उतने ऊपर उठ जाएंगे बच्चे। मैंने जी ठाडे का लड़का ठाडा आ रहा, ठाडा ना पकड़ा रहो भैया, ना ना इन तो ठाडे कोई ना देश में, ये है ना ना, ये नहीं जो घोड़ा है ना जिन ते, उन तो ठाडे कोई ना है, ये जो देश के जितने भी पहलवान, कोई पहलवान ना बच रहा जिन तर कुश्ती ना हो रही इनकी जी, ये भी 25 कुश्ती तो राज्य की हुई पूरे पंजाब में 25 कुश्ती, अभी 2 कुश्ती तो सोमवीर सूर्य साढ़े सो ही अभी इस इसकी जी, कह रहा है रिजल्ट भाई दोनों बार जीता है, हिंदुस्तान का टॉप का पहलवान है सोमवीर पहलवान जी जी। तो पहलवान जी जैसे मान ले किसी भी दंगल से, ये जो वीडियो ना लाखों आदमी देखने वाले हैं, किसी भी दंगल से अगर कॉल आओ है भाई कुश्ती बांधनी है, जिसने बांध के कुश्ती लड़वाओ है, तो मतलब क्या रहता है, मतलब कुछ एडवांस होता है या कुछ सहाय होती है, क्या होता है? कोई सहाय दे, वे दे भी दे है, लेकिन एक विश्वास की बात है, गणी साई पाइया में भी कुछ ना दे रहा है, विश्वास है भाई हम आ जाएंगे, कितने रुपये किस तक कुश्ती लड़ागा उस पर रुपये तय कर दे, मैं 1 लाख दे, 1.5 लाख दे, 2 लाख दे, जिस जितने रुपये हम तय हो उस तय कर ले भाई, इतना तम इतने तो मारा इतने झूठ बैठेगा, दोनों ओर राजी बाजी होकर अपना कुश्ती बन जाएंगे, जाग लड़े हो जी। जैसे पंजाब में और हरियाणा में थोड़ा सा फर्क रह रहा कुश्ती में आज भी, कि वो हार के ऊपर भी बढ़िया इनाम दे, मतलब पहलवाना का मनोबल नहीं टूटने देते भाई, इतनी दूर आया है तो उसको भी लाखों रुपए इनाम देवे हरियाणा में पहलवान जी। हरियाणा में यो हरियाणा में आज हरियाणा दे भी देंगे ये जी, और ये जो करवा रहे ना टीम, ये हरियाणा दे भी देगी तो सारा मिले पहलवान जी, सारा जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक और पंजाब, इनमें हार जीत की बात नहीं, कुश्ती बंदी पर कुश्ती मिल रहा है, बंदी पर रुपये मिल रहे हैं, यानी कि इस भैया नहीं हार गया तो कुछ नहीं, अपना हाड़ा जैसे 1/4 पे भी करते हैं, हर बहुत से दंगल इसे भी हैं अग जिसमें हार पर नहीं देते अपने, लेकिन जैसे पंजाब की कुश्ती है, पंजाब थोड़ा सा कुश्ती में स्पीड में हमसे कम हाथ, और
वहाँ लंबा टाइम चल रहा है, लंबे टाइम में बच्चा ये भी देखा अपना स्टेमिना कुछ बचा के भी रखेंगे, और कब कब आध घंटा कुश्ती का टाइम लेकर चलेंगे तो वो इतनी स्पीड से थोड़ी लड़ पाऊंगे। हरियाणा में कम टाइम में लगा और कम टाइम में आर पार करने की सोचा बच्चा, और कुछ ये बातें हमें बेनिफिट भी देती है, क्योंकि जब इस बच्चे ने दिखेगा ना ना जीतता तो कुछ ना से तो फिर लेने की सोचेगा। अच्छा पहलवान जी, उमेश पहलवान जी जो है वो अटैकिंग पहलवान है या डिफेंसिव है या कैसे कुश्ती फैंस का ना भी कुछ है ना टेका टेका भी और राजू पहलवान जी राजू भी तो देखा नहीं बेड़े से लड़े थी मतलब तैयार ही से कर रखे वाला लड़ना है बस। हाँ हाँ ये था भाई मार्गी माँ की डर चपटे मनुष्य ये बच्चन का कोई ना बेरन पहलवान जी। मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को अपने अखाड़े का जो पता है एड्रेस प्रॉपर मोबाइल नंबर के साथ बताना प्लीज। भाई मेरा लीलू अखाड़ा लाडपुर के नाम से अखाड़ा है, और गुड़िया में जो बादली के पास लाडपुर लगता है हमारा जज्जर डिस्ट्रिक्ट में लाग गए है, और 30-32 साल से अखाड़ा चल रहा है। आज भी कई 8-7 स्टेटों के बच्चे वहां रहते हैं और मैं दिन रात वहीं रहू हूँ, और 3 कोच भी मेरे साथ वो भी मिलकर संजय कोच है, दीपक कोच है और अजय कोच है, वहाँ पूरी टीम है, वो टीम भी मेरे को सहयोग कर रही है, मैं अकेला भी नहीं, पूरे टीम सहयोग कर रही है। अखाड़े में 4 आदमी होकर दिन रात हम मेहनत करा है, जैसे बंसी पहलवान भाई आप सब जानते होंगे वो मेरे छोटे भैया मेरे से, और बीच बीच में उन्होंने बहुत मदद की है मेरा, ठीक है ना, और सब पहलवान मेरे से बड़े हैं, वो भी टाइम लगा तो वो भी मदद करते हैं हमारी, और वो संस्था है, संस्था सबकी साझे हुए है, बहुत पहलवानों का लाला पहलवान है जैसे हमारे सीनियर लड़का, वो भी मदद करता हमारी, तो सब लाग लपट के भाई और इस अखाड़े को डेवलप भी कराया है, और इसका नाम थोड़ा बेरा भी लग गया है लोगों ने भाई खड़ा केस है, तो मेरा में भी को खाड़ा है लीलू पहलवान का खाड़ा से, और मेरा नंबर है 98-131-84-572 मेरा नंबर है भाई, 24 घंटे खोल जा रहा है जी भाई का जी कर मिलाओ जी। और भाई एक बार फिर राजू पहलवान उमेश पहलवान जी दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से, और बहुत बढ़िया आप लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते रहो जीत हार एलडीएम परिवार की तरफ से इतना बुरा मान जाएंगे जीने की जरूरत। परिवार वाले ने जितने जितने भी कुश्तियों में इनाम दिया है 22 परिवार का तहे दिल से हम शुक्र गुजार करते हैं, और आपका धन्यवाद, आप कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, न कवरेज आप इनाम दे रहे हैं और इनाम से नाम बढ़ता है, ठीक है, इनाम तो इनाम हाँ भाई इनाम से नाम बढ़ता है, और इनाम का ऐसा हो सा इनाम का थप्पड़ भी मजा आ जाए इनाम के मतलब, तो ये तो पैसे है और प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो जो कुश्ती बढ़ानी है मानस सब हमने तो दिल तो प्यारे है, हमने छक्का प्यारे है भाई, आपका स्वागत है और आप इतने पहलवानों की मदद करते रहो, और भाई जितना भी सहयोग आप कर रहे हो और आप जिसे ना होना या कुश्ती करना पड़ती भाई, और रही जो दिखता वही बिकता है भाई, आप जो इस कवरेज करके दिखाने लग रहे हो ना ये न्यू पेरा लग गया है भाई, कौन के है ना, तो पहले भी थे ये सोशल मीडिया ये पहले नहीं थे भाई, और पहले पता नहीं लगा था अखबार छीते आदमी ने थे, आज जैसे सोशल मीडिया जमाना है तो इसमें पहलवान को जितना बढ़ावा आप दे रहे हो ना मैंने को इतना कोई नहीं दे रहा भाई। बिल्कुल पहलवान जी हमने बताना पड़ा कि भाई ये इंटरनेशनल से इतनी हाँ, बार का ओलंपियड राजेंद्र पहलवान है, ये फलाना पहलवान है, ये भी आप ले रहे ये घने देशा मजागी भाई, बिल्कुल ये घने देशा मजागी घने देशा न्यू बेरा लागेगा भाई, इस कुश्ती को कौन बढ़ावा दे रहा, तो पवन भाई आपका मैं तो दिल की गहराई से बहुत स्वागत करूं भाई, वो तो पहलवान भी रहा से नरा यो भी नरा दंड मारणिया भी सही ठीक है ना भाई, तो पहलवान पहलवान को बढ़ावा दे है बहुत अच्छी बात से भाई, हम तो जिसी मारते सेवा बना उसी कर रहे हैं, और ये पहलवान सब के साझे गए हैं भाई, ये तो देश के हैं भाई, कोई यू को भाई ये के हैं, इनका जितना भी नाम हो जितना प्रचार हो जितना प्रसार हो जितना भी हो बढ़िया भाई, और मैं बता दूं जो आप लोग कर रहे हो ना इस कुश्ती के लिए हम केवरा थोड़ा भी कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं आप प्रमोट कर रहे हैं ना, बराबर की भूमिका हर मारे तो गणी आपके पहलवान जी, आप त्याग करो तपस्या करो कोई भी चीज है, देखो इव टीप है फलाना साबुन है वो बकेगा आप ये बताओ ये फलाने पहलवान, तो वहां इनका नाम जाता है प्रचार होता है और पहचान होती है, और भाई लक्ष्मी चंद्र ने जान पहचान बना
दुनिया मानस की कान नहीं है, तो जान पहचान जरूरी है भाई। ये जान पहचान आप करवा रहे हो, ऐसी बात नहीं। क्या बात है पहलवान जी, हम करवा दे रहे। उमेश पहलवान, लास्ट में आपको कुछ कहना चाहता है भाई साहब, क्या कहोगे? जी सभी को भाई नमस्कार। और गुरु जी के पास रहते हैं, गुरु जी बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं सुबह शाम, और बहुत ध्यान रखते हैं, माँ बाप रखते हैं उससे ज्यादा भी ध्यान रखते हैं, और बहुत हमारे साथ 24 घंटे मतलब दिन रात हमारे साथ, हमारे हर टाइम हमारे साथ ही रहते हैं और मेहनत में बहुत सहयोग करते हैं। धन्यवाद भाई। राम राम पहलवानों, राम राम पहलवान जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत खुशी हुई है भाई, जो आपने इस कवरेज को करके देश में पहुंचाने का काम करा ना, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है। पुनः आपको बधाई, धन्यवाद भाई। राम राम भाई। सारे भैया ने वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।